टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी माता शीतला के नए अवतार के साथ। उन्हें दिखाया जाता है जिसे देखकर आलक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और कृष्ण से पूछती हैं कि आखिर ये कौन है। कृष्ण कहते हैं उनका इंट्रोडक्शन देते हुए कि ये देवी शीतला है जो मदद करती हैं स्वास्थ्य को ठीक करने में। जिसे देखकर आलक्ष्मी बहुत ज़्यादा तलमिला जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा तो ये योजना बनाई है तुमने, अभी तुम देखो कि मैं राधा का और साथ में इस देवी का क्या हाल करती हूँ। कृष्ण तभी आलक्ष्मी को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अभी भी समय है, लौट जाओ। आलक्ष्मी कृष्ण की चेतावनी देख करके कहती हैं कि नहीं, जहाँ से राधा की सेवा का मार्ग खुला है वहीं से मेरे द्वार का जाने की शुरुआत होगी। आलक्ष्मी ये कहते हुए ज्वाला सर को बुलाती हैं और उनका आवाहन करते हुए कहती हैं कि राधा पर फिर से प्रहार करो और कहती हैं कि जैसे ही राधा की स्थिति और भी ज़्यादा नाजुक गंभीर पड़ने लगे तुम आकर के मुझे सूचित करो। गौरी ये देख कर बड़ी ही परेशान होती हैं और वो सीधा ज्वाला सर के सामने प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं रुक जाओ ज्वाला सर, ऐसा करने से तुम्हारा दमन भी हो सकता है, यानी कि तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो सकती है। ये देखकर ज्वालासुर बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं, वो सभी सबको बीमार कर देंगी और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। कृष्ण ये देखकर आलक्ष्मी से कहते हैं कि अपने दूत को रोक लो वरना उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आलक्ष्मी कृष्ण की ओर देखती हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम अब तक ज्वालासुर की शक्तियों से परिचित नहीं हो कृष्ण, वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली है। और वो उसे बुलाती हैं और इशारा करती हैं कि शीतला माता के ऊपर भी अपना प्रहार करो और उनके ऊपर भी अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रवाहन करो। लेकिन जैसे ही ज्वालासुर माँ शीतला पर अपनी शक्तियों का प्रहार करता है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और सारी बुरी शक्तियाँ शीतला माता की खूबसूरत शक्तियों में समाहित हो जाती हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसे देखकर देवी शीतला कहती हैं कि मैं अब तुम्हारा अंत करने के लिए सज्ज हूँ और वो अपने हाथ में एक पर्वत लाती हैं जिसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं और वो पूरी द्वारका में उस पर्वत के कण गिरा देती हैं जिससे सबकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सब स्वस्थ हो जाते हैं और सारे जो द्वारकावासी हैं वो मिलकर नारे लगाने लगते हैं शीतला माता की जय, शीतला माता की जय। उधर महादेव ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो शीतला माता से कहते नज़र आएंगे कि इस कार्य के बाद उनका सारी बीमारियों का अंत हो जाता है, इसीलिए अब से इन्हें औषधि वाली देवी भी कहा जाएगा जो सबकी बीमारी को नष्ट करेंगी। आलक्ष्मी ये देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ये सब आखिर क्या हो गया, कैसे हुआ। कृष्ण यहाँ पर देवी शीतला की तारीफ़ करते हुए उनका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मैं अभी भी तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि तुम लौट जाओ, तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम राधा से जीत नहीं पाओगी। और सभी लोग उधर द्वारका में ठीक हो जाएंगे और मिलकर राधा और शीतला माता की जय जयकार करने लगते हैं और सारी शक्ति राधा में समाहित हो जाती है और राधा एकदम पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। कृष्ण कहेंगे यहाँ पर कि तुमने ताम में सब कुछ खो दिया है और राधा सदैव ही प्रेम के मार्ग पर चलती है। उधर राधा कहेंगी कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, आखिर क्या हुआ था यहाँ पर। श्री कृष्ण उनके पास आएंगे और कहेंगे कि वाह, बैठे बैठे तुमने इतना बड़ा युद्ध जीत भी लिया और तुम्हें याद भी नहीं है। तभी दाऊ आएंगे और कृष्ण से कहेंगे कि द्वारकावासी शीतला माता की अच्छी से पूजा करना चाहते हैं तो क्या मैं उसका इंतज़ाम कर लूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ, आप बड़े धूमधाम से इस पूजा का प्रयोजन कीजिए और हम सब इस शीतला माता की पूजा में अपना अपना भाग लेंगे। कृष्ण कहते हैं आलक्ष्मी से कि देखा तुम कैसे परास्त हो गई मेरी राधा के सामने। तभी यहाँ पर आलक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है और कहती है कि अच्छा देखते हैं तुम्हारी राधा में ज़्यादा दम है या फिर मुझ में। आगे आलक्ष्मी कहती हैं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास और भी शक्तियां हैं, मैं उन सब का प्रयोग करूंगी और राधा पर ऐसा प्रभाव डालूंगी कि जिससे मुझे स्वीकार करने के लिए आपको मजबूरन अपने घुटने टेकने होंगे या फिर आप अपनी द्वारका में ऐसे ही विध्वंस होते देखते रहिए। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं आलक्ष्मी से कि तुम्हारा विवेक एकदम शून्य हो गया है,
कभी भी लक्ष्मी से तुम जीत नहीं सकती। आलक्ष्मी यहाँ पर कृष्ण के इस बात से चेतती हुई कहती हैं कि मैं उसे पूर्ण तरह से तबाह कर दूंगी, मैं अपना स्थान लेकर के ही रहूंगी। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे ये भ्रम मैं अवश्य तोड़ना चाहूंगा, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हें द्वारका में आमंत्रित करता हूँ। चलो मेरे साथ द्वारका चलो और वहाँ पर तुम अपनी विजय किसकी होगी ये स्वयं देख लो। आलक्ष्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि लेकिन कृष्ण एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर मैं महल में गई तो देवी लक्ष्मी को मैं भ्रष्ट कर दूंगी। कृष्ण ये सुनकर बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हैं और कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है, मैंने वर्षों पूर्व लक्ष्मी को ही चुना था और अब सैकड़ों वर्षों बाद भी मैं लक्ष्मी को ही चुनूंगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तुम्हें अवसर देता हूँ, अगर तुमने पूर्णिमा तक लक्ष्मी को भ्रष्ट कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे वो अधिकार प्रदान कर दूंगा जो तुम्हारे हक में होने चाहिए। आलक्ष्मी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ये मेरे लिए अवसर नहीं बल्कि वरदान है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर बड़े ही विशाल अंदाज में पूजा शीतला माता की होने के लिए तैयारियां चल रही होंगी। राधा भी बड़ी खूबसूरत रंगोली बना रही होंगी। राधा को रंगोली बनाता देख उनकी एक दासी उनके पास आएगी और कहेगी कि श्री राधा आप ये रंगोली क्यों बना रही हैं भला। राधा रंगोली का महत्व समझाते हुए कहेंगी कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले रंगोली बनानी शुभ होती है, ताकि ये खूबसूरत रंग विजय का प्रतीक होते हैं और आपकी खुशी में और भी ज़्यादा रंग घोल दें। तभी यहाँ पर आलक्ष्मी की एंट्री होती है और जैसे ही उनके कदम द्वारका की चौखट पर पड़ते हैं सब इधर उधर भागने लगते हैं, आंधी तूफान आने लगते हैं, सब कुछ उड़ने लगता है। बलराम दाव जैसे ही आलक्ष्मी को एंट्री लेते देखते हैं द्वारका नगरी में, वो कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा ये आलक्ष्मी यहाँ क्या कर रही है, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूँ। लेकिन कृष्ण उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि अरे दाऊ मुझे आपसे कुछ विशेष बात करनी है, आप जरा मेरे साथ आइए। उधर राधा अपना काम खत्म करके नदी के किनारे बैठी होती हैं और अपनी परछाई यानी कि अपना प्रतिबिंब जल में देख रही होती हैं। जैसे ही राधा उसे स्पर्श करती हैं उन्हें अलग सा कुछ अवतार दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि भला मैं इतनी भयावह कैसे दिख सकती हूँ। आलक्ष्मी का स्वरूप उन्हें अपने प्रतिबिंब में दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती हैं। जैसे ही श्री राधा पीछे मुड़कर खड़ी होती हैं वो श्री लक्ष्मी को देखकर के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती हैं और आलक्ष्मी का शक्ल देखकर के कहती हैं कि आप कौन हैं, आपकी शक्ल तो बिल्कुल मुझसे जैसी मिल रही है, मैंने आपको पहले कभी द्वारका में तो नहीं देखा, कि आप यहाँ नहीं आई हैं, आपका नाम क्या है। यहाँ पर आलक्ष्मी अपने इंट्रोडक्शन देती हैं और कहती हैं कि हाँ मैं पहली बार द्वारका में आई हूँ और यहाँ पर शीतला माता की पूजा चल रही है जिसमें सम्मिलित होना मैं चाहती हूँ। राधा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि बिल्कुल आप हमारी अतिथि हुई, इसीलिए मैं आपको इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए इनवाइट करती हूँ, मैं स्वयं आपके आमंत्रित करती हूँ और आपके अतिथि सत्कार का ख्याल रखूँगी। आलक्ष्मी कहती हैं कि सच में मेरा स्वभाव थोड़ा परिवर्तित है, मैं जहाँ पर भी रहती हूँ मुझे वहाँ पर रहने की आदत हो जाती है और मुझे वहाँ से जाने का मन नहीं करता। राधा ये सुनकर खुश होती हैं और कहती हैं कि द्वारकाधीश का महल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप आराम से यहाँ रह सकती हैं, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं स्वयं आपको जाने के लिए कभी भी नहीं कहूँगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब राधा को आलक्ष्मी की सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा उनका रिएक्शन। और अगर आपको इंटरेस्टिंग अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। We'll be right back.